Mr. Imad had been appointed in his place. Imad has gathered the following information in respect of the year ending. Ended. December, those are Sola. Those are Sola and key information Imaad ne kar The club has 3,300 members and the membership fee is 10,000 rupees per annum. Sir, membership fee is 10, 3, members the 10,000. rupees. 3,300 members. मेंबर दे दे इन विच मेंबर। तो बहुत सारे लोग क्लब में आते हैं कुछ जनवरी में आएंगे कुछ मार्च में आएंगे कुछ जुलाई में आएंगे कुछ कुछ जुलाई में आएंगे कुछ सेप्टेम्बर में आएंगे कुछ दिसंबर में आएंगे तो जिस दिन बंदा क्लब ज्वाइन करता है ना उसका फाइनेंशियल ईयर वहीं से शुरू होता है और फिर उसको अगली दफा सब्सक्रिप्शन उसी डेट पर देनी होती है तो ये कह है रहे हैं जी हमारे क्लब के थर्टी थ्री हंड्रेड मेम्बर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आए हुए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आए हुए हैं और उनका साल शुरू होता है उसी दिन से जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था ठीक है जी जिस क्वार्टर में उन्होंने ज्वाइन किया था इस दफ़ा अच्छा द फी रिसीव इन ईच क्वार्टर हर क्वार्टर में इतने पैसे रिसीव होते हैं जितने नीचे आ रहे हैं इस क्वार्टर के अमाउंट है ठीक है इस क्वार्टर की अमाउंट है डन अच्छा क्योंकि इस दफा हमारी फी कितनी है दस हज़ार वो क्या लास्ट ईयर हमारी फी नौ हजार थी तो सीधी सी बात है लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कम होंगे इसमें भी कम होंगे आये आये कितने आयेंगे नब्बे परसेंट आएंगे इसके ठीक है जी जितने इस साल रिसीव हुए हैं लास्ट क्वार्टर में भी यही लोग थे ठीक है जी क्योंकि कोई भी नया मेंबर हायर नहीं हुआ हायर ओवर द मेंबर्स वॉज द सेम लास्ट ईयर भी यही मेंबर्स थे तो हमारे लास्ट ईयर के मेंबर करंट ईयर के मेंबर सेम है सिर्फ लास्ट ईयर उन्होंने नौ हजार पे किए थे इस दफा उन्होंने दस हजार पे किए डन तो ये पूरा मेरे पास मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन फी आप कह लें लगभग एक ही जैसी चीज़ है ये हमारे पास कवर कर रहा है उसको ठीक है फिर असमरी ऑफ बैंक अकाउंट खुदा के वास्ते दिमाग में रखिएगा बैंक अकाउंट है ये चोरी बैंक से नहीं होती बैंक का ओपनिंग बैलेंस है कैश भी जमा हुआ है सैंतीस मिलियन रुपए का कैश जमा हुआ है तो ये कहीं कैश पहले कलेक्ट भी तो हुआ होगा ठीक है जी तो इस मंत्री मतलब चोरी करने का ठीक ठाक जो है वो हिसाब किताब है डेट्स जो है वो रिकवर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन बैंक अच्छा इसका मतलब है मेंबरशिप फी अलग है सब्सक्रिप्शन अलग है अपेरेंटली ठीक है जी फिर मेरे पास पेमेंट्स आ रही हैं और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है Sir, ये वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं जो बैंक अकाउंट से हुई हैं डन है. फिर जी फिर इसके बाद वो कह रहे हैं जनाब क्लब मार्जिन ऑफ ट्वेंटी जहां से लेके भागा होगा हाँ पांच लाख का स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड डिस्ट्रॉय हो गया इसका मतलब ये मेरे पास सर पूरा पॉइंट है आ, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फिर जी ओपनिंग डब्ल्यू डी ऑफ फिक्स एसेट्स एक ही क्लास ऑफ फिक्स एसेट्स के नाम पर अट्ठाइस मिलियन है डब्लू डी है ठीक है जी दिमाग में रखिएगा डब्ल्यू डीवी ठीक है थीके? फिर हमने एक्साइज इक्विपमेंट वॉस परचेज ऑन फर्स्ट अक्टूबर इक्विपमेंट होगा और यहाँ इक्विपमेंट और हमारे पास लैंड भी आ रही है, हमने ये है। उसने कहा पे तो फर्स्ट अक्टूबर को एक्साइज इक्विपमेंट खरीदा गया आठ लाख रुपए की, की अमाउंट है वो हमने इकतीस मार्च को बेच दिया है फिक्स एसेट्स पे ट्वेंटी परसेंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ये पूरा पॉइंट पर्टेन करता है पी ई e से फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने दिया हुआ जी तीन लाख और पच्चीस हजार इसका मतलब है जो चोरी वोरी हुआ होगा अकाउंट बना के हम निकाल लेंगे फिर द फॉलोइंग एक्सट्रेक्टेड थ्रूस्क्रूटनी ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड्स कुछ चीजों के ओपनिंग बैलेंसिस गिवेन है और साथ ही साथ इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी गेवन डन सबसे पहले उसने नौ मार्क्स के लिए आपसे कहा कि डिफॉल्केशन का अमाउंट निकाल के दिखाएं बताएं कितने अमाउंट चोरी हुई है ठीक है फिर उसने कहा कि इनकम एंड इन एक्सपेंडिचर बनाएं और एक बैलेंस शीट भी बना के दिखाएं तो ग्यारह और नौ मार्क्स के सवाल बीस मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है डन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर इस तरह के सवाल में आपने एक काम ये करना है और वो ये है कि आपने ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं ऐसा तो स्टेप वन हम क्या करने जा रहे हैं सर फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंसेस क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनानी है अब बताओ ओपनिंग बैलेंसेस पूरे सवाल में कहा, कहा आपको गिवन है अगर मैं देखूं तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस तो सर नीचे भी गिवन है तो मैं डेबिट क्रेडिट भी यहां डाल देता हूँ सर डेबिट और क्रेडिट सर सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंसेस तो यही गिवन है सामने सामने जो नोट आ रहा है इसी में गिवन है सर मेरे पास क्रेडिटर्स है प्रीपेड रेंट है और टक शॉप का स्टॉक है ऐसा तो मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे पास क्रेडिटर्स हैं सबसे पहले तो एक काम करो बैंक बैंक का बैलेंस ले लो कैश का बैलेंस ले लो बैंक का बैलेंस कहाँ है जी बैंक का बैलेंस है थ्री पॉइंट सेवन जीरो फाइव हंड्रेड सर थ्री पॉइंट सेवन डबल जीरो फाइव डबल जीरो कैश का बैलेंस है मेरे पास गलेबा तीन लाख रुपए मुझे याद आ रहा है मैंने यही पढ़ा था हाँ, सर कैश का, फिर, फिर का भी बैलेंस है सर नोट नंबर अकाउंट नंबर ओपनिंग में दिया हुआ अट्ठाईस लाख रुपए ये आ रहा है सर अट्ठाईस मिलियन है सॉरी अब सर इसके बाद मेरे पास क्रेडिटर्स आ रहे हैं नीचे कितने के जी क्रेडिटर्स सर पच्चीस लाख के ये क्रेडिट बैलेंस है सर मेरे पास प्रीपेड रेंट है डेबिट बैलेंस है सर एसेट है और मेरे पास स्टॉक का भी बैलेंस है सर कितना एक अड़सठ और तेईस लाख वन सिक्सटी एट थाउजेंड और मेरे पास तेईस लाख अब दोबारा ऊपर जाए और रीड करें सर मेरे पास एक और चीज़ है पॉइंट नंबर वन में और वो है मेरे पास सर एडवांस सब्सक्रिप्शन उसकी अमाउंट भी मेरे पास ओपनिंग भी आ रही होगी क्लोजिंग भी आ रही होगी तो एक काम करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन को यही हलाल कर देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं ठीक है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम बनाते हैं गौर से देखिएगा मेरे बच्चों सब्सक्रिप्शन में एडवांस में आ रहा है तो सर ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा क्लोजिंग यहां आ जाएगा इधर हमने जो कैश रिसीव किया वो आ जाएगा इधर सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाएगी पहले तो एक काम करो थर्टी थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय दस हजार ये क्या पे करके जा रहे हैं ये इन्होंने इस साल कैश दिया होगा लाजमी सर ये मेरे पास थर्टी थ्री मिलियन आ रहा है सर सर मेरे पास कैश रिसीव हुआ थर्टी थ्री मिलियन ऐसा अब कुछ अच्छा ये आप ऐड भी करोगे ना थर्टी थ्री मिलियन ही बनेगा कहा गया नाइन पॉइंट नाइन एट पॉइंट टू फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव प्लस नाइन पॉइंट थ्री फाइव बिल्कुल सर थर्टी थ्री मिलियन ही बन रहा है अच्छा अब बताएं सर नाइन पॉइंट नाइन एट पॉइंट टू फाइव ये पहले और हुई अमाउंट है। अब क्वार्टर में देखिएगा दोस्त क्वार्टर वन में मेरे पास जो रिसीव्ड अमाउंट है वो उसमें से इनकम में कितनी गई वो और उसमें से कितना एडवांस मौजूद है ये ये तीन हिस्से मैंने बनाने सर सर मेरे जो टोटल अमाउंट रिसीव रिसीव हुई हुई है वो 9 .9 हुई है वो मिलियन पहले क्वार्टर में तो ये सारी इनकम होगी साल के एंड तक क्यों क्योंकि पहले क्वार्टर के स्टार्ट में जो बंदा पैसे दे के गया है सर वो इसी साल में पूरे कंज्यूम हो जाएंगे अगले साल वो जब आएगा तो उसका कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं होगा हाँ लेकिन क्वार्टर टू में जो बंदा पैसे देके गया इसने सर इस साल तीन क्वार्टर का बेनिफिट लिया अगले साल वो एक क्वार्टर का बेनिफिट लेगा तो जो अमाउंट है मेरे पास वो आ रही है कितनी 8.25 इसका नौ महीने का इस साल इनकम में आ जाएगा एट टू फाइव जीरो ट्रिपल जीरो का नौ महीने का अमाउंट इनकम में आ जाएगा डबल जीरो ऐसा और सर मेरे पास बाकी एडवांस में चला जाएगा अगर मैं काम करूं मैं आसानी के लिए इस इनकम के कॉलम को उड़ा दूँ और मैं सिर्फ फोकस करूँ एडवांस के ऊपर तो सर मेरे अकाउंट में इतना पोटेंशियल है कि वो मुझे आराम से इनकम का बैलेंस निकाल के दे देगा एंड पे आके ठीक है अब बता जी एडवांस कितना ये ये रिसीव हुआ है पहले क्वार्टर के एंड पे यानी नौ महीने इस साल में जाएगा और तीन महीने अगले साल जाएगा जो तीन महीने अगले साल जाएगा वो अगले साल का एडवांस होगा अगले साल में सर मेरे पास टू जीरो सिक्स टू फाइव डबल जीरो अमाउंट जाएगी फिर मेरे पास उसके बाद क्वार्टर थ्री क्वार्टर थ्री में कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं सर 5.5 मिलियन और 9.35 मिलियन 5.5 मिलियन और क्वार्टर फोर में 9.35 मिलियन पक्का अब बताएं इसका आधा इस साल इनकम आएगी आधी अगले साल आएगी तो 5.5 मिलियन छ महीने कितना आता सर मेरे पास ये टू सेवन फाइव जीरो ट्रिपल जीरो सर नाइन थ्री फाइव जीरो ट्रिपल जीरो तीन महीने इस साल नौ महीने अगले साल सर सेवन जीरो वन टू फाइव डबल जीरो मुझे बताओ सर मेरे पास इस साल कितने रुपए का क्लोजिंग एडवांस मौजूद होगा सर टू जीरो सिक्स टू फाइव डबल जीरो टू सेवन फाइव जीरो ट्रिपल जीरो प्लस सेवन जीरो वन टू फाइव डबल जीरो सर ये आता है मेरे पास इलेवन पॉइंट एट टू फाइव ट्रिपल जीरो ये मेरे पास सर क्लोजिंग बैलेंस है एडवांस का एलेवन पॉइंट एट टू फाइव मिलियन अब सीधी सी बात है अगर इस साल भी दस हजार का बैलेंस होता यानी दस हजार सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होती और पिछले साल भी दस होती तो यही मेरा ओपनिंग भी होता लेकिन प्रॉब्लम यह कि सर मेरा ओपनिंग जो है वो नौ हजार के हिसाब से क्योंकि लास्ट ईयर हमारी जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी वो कितनी थी वो नौ थी तो तो या तो लंबा चौड़ा तरीका आउट कर लो या एक काम करो ये बैलेंस बच रहा है दस हजार के अमाउंट से तो उसको मैं बाय बै बै तो यही बैलेंस मेरे सामने आ जाएगा जब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नौ हजार थी डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाई बाय नौ कितना होता है जी सर ये आता है मेरे पास वन

मिलियन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय नाइनटी सर मुझे लास्ट टाइम जो अमाउंट रिसीव हुई थी वो रिसीव हुई थी एट नाइन वन एट नाइन वन जीरो ट्रिपल जीरो सर एट नाइन वन जीरो ट्रिपल जीरो सर एट टू फाइव जीरो ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाई बाय नाइन सर मेरे पास ये रिसीव हुई थी लास्ट टाइम सेवन फोर सर मेरे क्वार्टर थ्री में फाइव मिलियन डिवाइडेड बाय

तो सर अगर मैं इनका अमाउंट कैलकुलेट करूं तो ये तो नील होगा फोर टू फाइव ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री ओवर ट्वेल्व ये आता है मेरे पास सर वन टू फिफ्टी सिक्स टू फाइव जीरो सर मेरे पास फोर नाइन फाइव जीरो ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई बाय सिक्स ओवर ट्वेल्व ये मेरे पास आता है सर टू फोर सेवन फाइव जीरो डबल जीरो सर एट फोर वन फाइव ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई बाय नाइन और ट्वेल्व ये मेरे पास आता है सर सिक्स थ्री डबल वन टू फाइव जीरो सर मेरे पास टोटल अमाउंट जो बन के आता है वो आता है टू फोर सेवन फाइव ट्रिपल जीरो प्लस वन एट फाइव सिक्स टू फाइव जीरो सर ये मेरे पास एग्जैक्ट आता है वन ज़ीरो फोर टू फाइव डबल जीरो और ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसके बगैर भी ठीक है जी अब बताएं सर मेरे पास दूसरे एंड पे सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी या मैं जो मेंबरशिप फी की इनकम है वो आ जाएगी थर्टी थ्री मिलियन माइनस इलेवन पॉइंट एट टू फाइव ट्रिपल जीरो इकतीस आशारिया पांच मिलियन की इकतीस आशारिया आठ एक मिलियन की इनकम आती है सब्सक्रिप्शन इनकम तो मेरे पास एक ओपनिंग बैलेंस आ गया सब्सक्रिप्शन का एडवांस थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं अच्छा जी सब्सक्रिप्शन में एडवांस आ गया सर मेरे पास एडवांस आ गया मेरे पास सर टेन पॉइंट सिक्स फोर टू फाइव डबल जीरो सर मेरे पास अब इसके अलावा कोई ओपनिंग बैलेंस का हिसाब किताब बचता है तो वो भी देख लें देखें दराजा थ्री सेवन डबल जीरो फाइव डबल जीरो प्लस तीन लाख प्लस ट्वेंटी एट मिलियन प्लस वन सिक्सटी एट थाउजेंड प्लस टू थ्री फाइव सर ये आता है मेरे पास इतना माइनस टू फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो माइनस टेन सिक्स फोर्टी टू फाइव हंड्रेड ये आता सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर जनरल फंड का सर टू वन थ्री टू सिक्स ट्रिपल जीरो ठीक है जी सर मेरे पास ये क्लोजिंग आ रहा है या टोटल अमाउंट आ रहा है थ्री डबल फोर सिक्स एट फाइव डबल जीरो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया सर ओपनिंग बैलेंस आ आगे सारे अब मैंने इन्हीं खोलने याद रखिएगा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करने का एक बड़ा रीजन होता है उसमें से एक बड़ा रीजन ये भी है कि आपने एक तो ये मालूम करना है ठीक है जी और फिर आपने सर ये भी देखना है कि हमारे पास कितने लास्ट ईयर एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस थे उन्हीं को हमने जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है उन्हीं के अकाउंट्स बनाने अब इन्हीं के अकाउंट्स हम बनाएंगे कैश का अकाउंट हमें इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि हम डिफॉल्टेशन की अमाउंट डिटर्मिन कर सकें बाकी इनके सारे अकाउंट हम इसलिए बनाएंगे ताकि हम इनको क्लोज करके फिर इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनानी है उस तक पहुंच सके ठीक है जी आए जरा अल्लाह का नाम लेके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं चले जनाब अब एक एक करके ना इन सारों के टी अकाउंट खोलना शुरू करते हैं हम ठीक है जी सब्सक्रिप्शन का तो हमने बना भी दिया एंड तक पहुंचा भी दिया ठीक है जी अब एक काम करते हैं जनाब हम खोलते हैं बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है कैश का अकाउंट तो लाजमी बनाना है और ये कैश का अकाउंट इतना इम्पोर्टेंट होगा कि इसके लिए हम पूरी एक जगह मुख्त कर देते हैं कि ये, ये पूरा हमारा कैश अकाउंट होगा ठीक है जी ये होगा हमारा कैश अकाउंट अच्छा फिर और हमारे पास अकाउंट किस किस चीज़ के हैं सर पीपी -पी का है क्रेडिटर्स का है प्रीपेड रेंट का है अब इसके लिए हम जगह बनाते जाते हैं सर ये हमारे पास आ जाएगा सर पीपी -पी का अकाउंट यह हमारे पास आ जाएगा सर क्रेडिटर्स का अकाउंट सर हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक और अकाउंट जैसा नाम देख के आना पड़ेगा हमें प्रीपेड रेंट स्टॉक प्रीपेड रेंट सर हमारे पास स्टॉक्स और मेरे पास सर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है ठीक है ये अकाउंट होगा सर मेरे पास एक दो तीन चार और पांच ठीक है सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी बना चुका हूँ आओ अब एक, एक करके सर हम चीजें उठा के इनकॉर्पोरेट करते हैं अच्छा फिर मैं साथ में एक स्केलेटन बना रहा हूं सर किसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इन... इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तरफ मेरे पास सर इनकम होंगी और सर आठ दस इनकम होनी चाहिए तो मैं थोड़ा सा फासले से आपको एक्सपेंडिचर का भी जाविया बना देता हूँ फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है जी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम एक रीजनेबल जगह छोड़ दें हम यहां और चीज बना सकते हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ये हम बना सकते हैं और इसमें हमारे पास सर एक तो एसेट्स होंगे सर कुछ भी कर लें इसमें कोई आठ दस के करीब एसेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम ठीक है फिर हमारे पास आएंगे जनाब फंड्स एंड लाइबिलिटीज ये आ जाएगा सर अब आए जरा सर ऊपर एक एक करके अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस हम डालना शुरू करें हमारे पास सर कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना जी बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो बैंक को छोड़ दो तीन लाख रुपए का कैश का ओपनिंग बैलेंस सर पीपी का ओपनिंग बैलेंस अट्ठाईस मिलियन फिर जी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस पच्चीस लाख टू पॉइंट फाइव मिलियन प्रीपेड रेंट सर एक लाख अड़सठ और, और तेईस लाख का स्टॉक एक लाख अड़सठ और, और तेईस लाख का स्टॉक फिर जी और कुछ है जी सर फिर मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन तो मैं निपटा चुका हूँ जनरल फंड्स का ओपनिंग बैलेंस है इसको हम बाद में देखते हैं सर अब एक एक करके हम ट्रांजेक्शन पिक करते हैं और इसको सुलटाते जाते हैं ठीक है जो ट्रांजेक्शन कैश के अकाउंट में जानी चाहिए वो कैश के अकाउंट में जाएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डबल एंट्री आप सोचते हैं जो आपने क्या पास करनी है डन पिक करें जी सबसे पहली चीज ये करें जी कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक तो थर्टी सेवन एट फोर एट फाइव हंड्रेड आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें ये हमने डिपॉजिट कराया है तो हमारे पास से गया होगा डिपॉजिट थर्टी सेवन एट फोर्टी एट फाइव हंड्रेड अच्छा बैंक अकाउंट में बना नहीं रहा क्योंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी सर हमारे पास जो है वो इसमें बना हुआ है तो ये एंट्री हमने वेरीफाई कर ली सर कैश क्रेडिट बैंक डेबिट ड फिर जी एक और आगे जाए डन हो गया जी सर रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड ये क्या है रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड एटीन एट सिक्स मिलियन देखिए रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड का मतलब यह कि आपने एक लॉस बुक कर लिया था राइट ऑफ कर दिया था वो रिकवर हो गया तो उसकी सिर्फ एक ही एंट्री पास होनी चाहिए कैश डेबिट कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट यहां चूंकि बैंक में पैसा आ गया तो बैंक डेबिट हो चुका है और आपने सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके एक इनकम बुक कर लेनी है क्योंकि किसी भी अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा क्या मैं ऐसे इनकम लिख सकता हूँ बैड डेट्स रिटर्न बैक कितना जी कितना अमाउंट है सर सर 1.86 मिलियन इसको यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दें सर स्टेटमेंट में 1.86 मिलियन डन एंड अस्टेट आगे बढ़े सर आगे बढ़े मेरे बच्चों दूसरा तीसरा हेड सर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स साढ़े सात लाख दिमाग में रखिए इसको स्टार बना के रख लें कि ये ट्रांजैक्शन है जो हमने अभी तक नहीं देखी एंड में देखनी है फिर मेंबर्स सब्सक्रिप्शन फी रिसीव डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट अभी एक सब्सक्रिप्शन इनकम है ये बैंक में डायरेक्ट रिसीव हुई है तो मैं एक सबस्... अच्छा फिर ये हमारे पास क्या था ये मेंबरशिप फी थी सब्सक्रिप्शन नहीं था इसको जरा सही करके रीड्राफ्ट करके लिख दें ये मेंबरशिप एडवांस था मेंबरशिप फी एडवांस जी मेंबरशिप फी एडवांस का क्या मतलब है और सब्सक्रिप्शन फी ये दोनों यार देखो तो अलग अलग होते हैं इस एग्जामिनर ने इसको एक ही ट्रीट किया हुआ ठीक है इनमें थोड़ा सा फर्क है स्लाइटली डिफरेंस है लेकिन एग्जामिनर ने दोनों को एक ही ट्रीट किया है सर मेरे पास टोटल थर्टी थ्री मिलियन रिसीव हुआ है टोटल थर्टी थ्री मिलियन इस थर्टी थ्री मिलियन में से ये कह रहे बैंक में आया है नाइनटीन पॉइंट एट मिलियन तो बाकी कहाँ गया होगा ये बैंक में आया नाइनटीन पॉइंट एट मिलियन तो बाकी कहाँ गया होगा सर सर ये बैंक में आया है नाइनटीन पॉइंट एट मिलियन बैंक में आया है कैश में तो मैं थर्टीन पॉइंट टू को कैश में जाके लिख दूं यस सर ये है क्या चीज मेरे पास सर सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी कितने की जी थर्टीन पॉइंट टू मिलियन तो सर मेरे पास कैश और बैंक दोनों डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट इसमें कोई इनकम इनकम बुक करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी ले जाओं फाइव ये इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ कितने का जी सर थर्टी वन पॉइंट एट वन सेवन फाइव हंड्रेड थर्टी वन एट डबल आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो जी मेंबरशिप फी आ गई सर मेरे पास डन डिस्पोजल का हिसाब किताब एंड में देखते हैं सर फिर इंश्योरेंस के पैसे हमने पे किए हैं एक लाख पिचत्तर हज़ार रुपये अकाउंट में डालें सर प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा था अकाउंट में डालें एक लाख पचहत्तर हजार रुपये आपने पे किए हैं इंश्योरेंस है कुछ नहीं सर इसका मतलब ये सीधा सीधा एक्सपेंस होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐसा ही है मेरे बच्चों चलिए जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब अभी हम सिर्फ बैंक अकाउंट को देख रहे हैं कैश की कोई ट्रांजेक्शन खास देखी नहीं है रेंट एंड डेट्स सर 4.2 मिलियन रेंट एंड डेट्स क्या रेंट का कोई अकाउंट है हाँ सर प्रीपेड रेंट का नीचे अकाउंट आ रहा है सर हमने और रेंट पे किया है सर कितने का बैंक से हमने रेंट पे किया सर कितने का हमने पे किया है मेरे बच्चों फोर पॉइंट टू मिलियन का चलो जी ड्राफ्ट आगे बढ़ो कल दी एंट्री हमने फिर यूटिलिटीज सर फोर पॉइंट थ्री सिक्स फाइव मिलियन का नीचे कोई हेड नहीं आ रहा तो इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाऊँ अमाउंट है कितनी यूटिलिटी इसकी फोर थ्री सिक्स फाइव डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाए िटी इज एक्सपेंसा जी मेरे पास थ्री सिक्स फाइव चलो मेरे बच्चों आगे और तो किसी अकाउंट में डालना अकाउंट में डालते जाओ जो नहीं डालना डायरेक्ट मान लेके जाओ फ्री होल लैंड परचेज सत्रह मिलियन तो लैंड को डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाए तो अकाउंट अकाउंट तो बनाया नहीं हमने इसका डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाते हैं सर लैंड कितना जी सत्रह मिलियन ठीक है जी और और जी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक सिक्स पॉइंट वन टू मिलियन ये आना चाहिए मेरे पास कैश में बैंक से आ रहा है पैसा सर सिक्स पॉइंट वन टू मिलियन कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट फिर बड़ा और मेरे बच्चों आगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स एटीन पॉइंट वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो एटीन पॉइंट वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो क्रेडिटर्स को पेमेंट अकाउंट में डालो क्रेडिटर्स के एटीन पॉइंट वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो एटीन पॉइंट किधर गया कैश एटीन पॉइंट वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो ऐसा सर इसके बाद ऊपर जाए सर यही था एटीन पॉइंट वन डबल एट फाइव ऐसे ही तो एटीन पॉइंट वन डबल फाइव ठीक है जी फिर रिपेयर्स रिपेयर्स को तो आप सीधा सीधा उठा के टिका दें कहाँ पर पी एन एल के अंदर सात लाख रिपेयर्स रिपेयर एक्सपेंस सर एक स्टेप और हम आगे जाते हैं जनाब एक्साइज इक्विपमेंट सेवन पॉइंट थ्री फाइव मिलियन का आया है तो इक्विपमेंट को हमने डेबिट करना है सर सेवन पॉइंट थ्री फाइव मिलियन का आया है सर पीपी -पी का अकाउंट का सर यहाँ तक हमारे पास जो है वो बैंक अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन्स थी ये हमने जिस जिस, जिस जगह पॉसिबल थी वहाँ वहाँ टिका दी अब ये कह रहे जी पॉइंट नंबर थ्री में कुछ अकाउंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कुछ पेमेंट्स ऐसे भी हैं जो अच्छा बैंक का जो बैलेंस है वो आप बैलेंस शीट पर लिख सकते हो फाइव एट नाइन फोर ट्रिपल जीरो ये बैंक में डाल दें फाइव एट नाइन फोर ट्रिपल जीरो फाइव एट नाइन फोर ट्रिपल जीरो ठीक है जी फिर इधर हमारे पास पी पी का मजीद अमाउंट आ जाएगा इधर हमारे पास सर कैश आ जाएगा इन केस अगर के कैश है सर मेरे पास पच्चीस हज़ार रुपये का बैलेंस शायद मौजूद है कैश के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ठीक है ये ऊपर सवाल में किए मैंने डन अब बताएँ सर हमने सैलरीज तेईस लाख रुपए और छः लाख चालीस हज़ार सेंट्री एक्सपेंसिज ये हमने पेटी कैश से पे किए हैं तेईस लाख और छः चालीस तेईस लाख और छः चालीस कैश के अकाउंट में डालें सर सैलरीज तेईस लाख सेंडरी एक्सपेंसेस छह लाख चालीस और ये दोनों कैश क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाए सर सैलरीज एक्सपेंस और सेंडरी एक्सपेंसेस कितने से जी तेईस लाख और सर छः लाख चालीस हजार डन य हो गया सर मेरे पास हिसाब किताब फिर जी कैश के अकाउंट में और कुछ है और कुछ आ रहा है सर सर ये निकल गया अब हमने बात करनी है सर डेप्रिसिएशन पे और कैश का क्लोजिंग बैलेंस में डाल चुका हूँ सर फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस अकाउंट फॉर करने सर मैंने एक अक्टूबर को एक इक्विपमेंट खरीदा है और मैंने पहली मार्च को इकतीस मार्च को सॉरी इकतीस मार्च को मैंने एक, एक एसेट जिसकी डब्ल्यू साल के स्टार्ट पे आठ लाख थी बेचा आओ जरा दोस्त एक काम करते हैं हम रखते हैं जनाब पीपी का हिसाब किताब एक वर्किंग बना दू नीचे डेप्रिसिएशन की देखिए मेरे पास कैरिंग अमाउंट है पीपी का अट्ठाईस मिलियन सर मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस में कुछ सर डिस्पोजल्स हैं डिस्पोजल की बुक वैल्यू साठ के स्टार्ट पे आठ लाख है मेरे पास सर कुछ फिर सरवाइविंग जो है वो एसेट्स हैं सर अट्ठाईस मिलियन माइनस आठ लाख याता है मेरे पास सताईस तो दो मिलियन और इसके साथ साथ सर मेरे पास न्यू एक्विजेशन शायद हमने जो अभी इक्विपमेंट खरीदा है देखें डेप्रीसिएशन भाई जो पार्ट आपने डिस्पोज किया ये आपने इकतीस मार्च को डिस्पोज किया है तो चार महीने आपने संभाल किया तो उस पर चार महीने का डेप्रिसिएशन 20 परसेंट का रेट है का कितना डेपनीशिंग बैलेंस ट्वेंटी परसेंट है डिमिनिशिंग बैलेंस पे सर हमारे पास 20% है इकतीस मार्च को हमने जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने बाद हमने बेचा है सर 20% 20% बीस तीन महीने का डेप्रिसिएशन 8 लाख का 20% का तीन महीने का डेप्रिसिएशन होता है चालीस हजार इसकी वैल्यू थी सात लाख साठ हजार जब हमने इसको बेचा अच्छा जब हमने इसको डिस्पोज किया ना तो इससे हमें प्रोसीड्स मिली साढ़े सात लाख की सर इसका कैरिंग अमाउंट है सात लाख साठ हजार सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है कोई दस हज़ार रुपए का लॉस लॉस ऑन डिस्पोजल ठीक है जी फिर सत्ताईस दशारिया दो मिलियन का ट्वेंटी परसेंट जो सर्वाइविंग एसेट्स हैं पांच लाख चवालीस हज़ार का एक पांच लाख चवालिस नहीं फाइव पॉइंट फोर फोर मिलियन है इसका रिकॉर्ड अप्रिसिएशन आ गया मेरे बच्चों सर जो नया एसेट मैंने खरीदा है ये मैंने खरीदा अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने का एडप्शन इस पर भी आएगा सेवन थ्री फाइव जीरो ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई थ्री ओवर ट्वेल्व मल्टीप्लाई पॉइंट टू ये मेरे पास आता है थ्री सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड सर मेरे पास जो पी पी बचेगा टोटल ये तो बिक गया निकल गया ये ये आउट अब ये बाकी दो बचे हैं ऐसा तो जो बाकी दो बचे हुए सर इनका कैरिंग अमाउंट मैं अप कर दूँ तो मेरे पास सर पी पी का कैरिंग अमाउंट बनना चाहिए ऐसा यही अब पहले तो एक काम करो इनकी कैरिंग अमाउंट निकाल दो सत्ताईस अशारिया दो मिलियन ये मेरे पास आता है सर टू वन सेवन सिक्स ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो सेवन थ्री फाइव ज़ीरो ट्रिपल जीरो माइनस थ्री सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड सर दिस इज सिक्स नाइन्टी एट टू फाइव डबल जीरो डन अब बताएं सर को डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर कोई कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा तो वो ये बता देगा चालीस हजार इतना और इतना तो टोटल डिप्रिसिएशन जो हमारे पास निकल रही है टोटल डप्रिसिएशन सर वो निकल रही है चालीस हजार प्लस फाइव डबल फोर जीरो ट्रिपल जीरो प्लस थ्री सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड यार है मेरे पास सर फाइव एट फोर सेवन फाइव हंड्रेड ये टोटल मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है जो मुझे चार्ज करनी चाहिए अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम उसको जाके चार्ज कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का बाबू फाइव एट फोर सेवन फाइव हंड्रेड अच्छा अब इसके साथ साथ सर मेरे पास बैलेंस शीट पे जो पीपी -पी का बैलेंस बचेगा वो बचेगा सर दिस प्लस दिस दैट इज टू वन सेवन सिक्स फोर टाइम जीरो प्लस सिक्स नाइन एट टू फाइव डबल ज़ीरो आता है सर मेरे पास ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन फोर टू फाइव सर ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन फोर टू फाइव डबल जीरो यह आता है सर मेरे पास पी का बैलेंस इससे रिलेटेड डेप्रिसशन आ गया और एक और चीज़ भी लॉस ऑन डिस्पोजल भी यहीं डाल दें सर लॉस ऑन डिस्पोजल दस हज़ार का डन कानी ख़त्म सर हिसाब किताब हो गया पूरा अब एक स्टेप और आगे हम जाएं सर चले जी एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं हमने सारा सवाल स्कैन कर लिया है अब हमारे पास कैश का अकाउंट और ये सारी चीज़ें हमने सारी चीज़ें इंकॉपोरेट कर ली हैं सिर्फ हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें इंकॉपोरेट नहीं किए मैं पढ़ रहा हूँ सर पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर वन डन पॉइंट नंबर टू डन थ्री डन फोर में वो कह रहे हैं जी ट्वेंटी परसेंट सेल्स हमारे पास जो ट्वेंटी परसेंट सेल्स पे जो प्रॉफिट है पाँच लाख का स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है अब देखो मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ ठीक है मैंने उठाया सर मेरे पास क्रेडिटर्स का अकाउंट ठीक है जी और मैंने उठाया स्टॉक का अकाउंट स्टॉक में सर हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं लॉस्ट पाँच लाख की ये लॉस्ट ना हम ट्रेडिंग पीएल में नहीं डालेंगे इसको हम डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नाम देते हैं जनाब स्टॉक लॉस्ट कितने का जी पांच लाख फिर बताएं सर मेरे पास और मुझे बताएं क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है हाँ गिवन है सर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्लोजिंग बैलेंस भी आ तो आज जो लगे हुए हो ना वो डाल दो यार ताकि हिसाब किताब हमारा क्लियर हो जाए सर क्लोजिंग बैलेंस है थ्री 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 फोर टाइम जीरो एक काम करते हैं क्लोजिंग बैलेंस पहले डाल देते हैं सर हमारे पास और क्या हिसाब किताब आ रहा है सर मेरे पास प्रीपेड रेंट एक लाख पिचहत्तर हजार और टू पॉइंट फाइव मिलियन एक लाख पिचत्तर हजार प्रीपेड रेंट एक लाख पिचत्तर हजार का प्रीपेड रेंट सर मेरे पास स्टॉक टू पॉइंट फाइव मिलियन आ रहा है क्लोजिंग ठीक है जी पीपी -पी का क्लोजिंग हमने नीचे निकाल लिया था आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो सर टू एट सेवन फोर टू फाइव डबल जीरो पीपी -पी की दर गया भाई सर क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास टू एट सेवन फोर टू फाइव डबल जीरो सर इसमें मेरे पास डिस्पोजल था सात लाख पचास हजार रुपये का सर मेरे पास इसके साथ साथ डप्रीसीशन था जो मैंने नीचे भी चार्ज भी किया सर फाइव एट फोर सेवन फाइव हंड्रेड ऐसा सर ये अकाउंट मेरे पास ज़ीरो हो चुका है टाई हो चुका है बिल्कुल मुकम्मल डन इंडस्टेड क्रेडिटर्स के अकाउंट में देखें और कुछ बचता है सर एटीन पॉइंट वन फाइव फाइव ट्रिपल जीरो प्लस थ्री 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 फोर टाइम ज़ीरो माइनस टू पॉइंट फाइव मिलियन ये बस बनता है सर मेरे पास टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री सर मेरे पास एटीन वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो प्लस थ्री 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 ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो माइनस टू पॉइंट फाइव मिलियन ये मेरे पास आता है सर परचेजेस की फ़िगर इन्ना जून परचेजेस ये आती है सर वन एट नाइन एट फाइव ट्रिपल ज़ीरो एटीन पॉइंट नाइन एट फाइव मिलियन सर ये मैं डालता हूँ स्टॉक के अकाउंट में परचेजेज एटीन प्लस तेईस लाख माइनस पाँच लाख माइनस पच्चीस लाख सर मेरे पास वन एट टू एट फाइव ट्रिपल जीरो यह आता है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वन एट टू एटी फाइव ट्रिपल जीरो अब बताओ सर इससे मैं क्या बनाऊंगा इससे मैं बनाऊंगा सर ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में सर मेरे पास सेल्स आएगी जो कि कैश में आई है कॉस्ट ऑफ गुड्स टूल्ड एग्जामिनर ने आपको बता दिया वन एट टू एट फाइव डबल जीरो सर ये है एट्टी परसेंट ऑफ सेल्स क्योंकि सेल्स का बीस परसेंट हमारे पास प्रॉफिट है सेल्स का बीस परसेंट हमारे पास क्या है प्रॉफिट है सेल्स कितनी होगी सर इसको एट्टी परसेंट से डिवाइड कर दें पॉइंट एट तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी सर ट्वेंटी टू पॉइंट एट फिफ्टी सिक्स टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई पॉइंट टू ये मेरा प्रॉफिट आ गया सर फोर फाइव सेवन वन टू फाइव ज़ीरो सर ये प्रॉफिट में ले जाऊँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सर ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने का जी फोर फाइव सेवन वन टू फाइव जीरो ट्रेडिंग अकाउंट बंद बंद ट्रेडिंग अकाउंट सर ये जो सेल्स आई है ये कैश के अकाउंट में डाल दें क्योंकि सेल्स कैश में रिसीव हुई हैं सेल्स कितने की जी सर मेरे पास सेल्स आ रही है कितने का भैया ट्वेंटी टू पॉइंट एट फाइव सिक्स टू फाइव ज़ीरो ट्वेंटी टू पॉइंट एट फाइव सिक्स टू फाइव जीरो ऐसा अब सर का अमाउंट निकल सकता है से डिफ़ॉल्टेशन का अमाउंट निकल सकता है कितना जी सर तीन लाख प्लस तेरह आशारिया दो मिलियन प्लस छह आशारिया एक दो मिलियन तीन लाख आता है सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस टोटल अमाउंट आता है फोर टू फोर सेवन सिक्स टू फाइव जीरो अगर दोनों साइड बराबर है तो सर मेरे पास माइनस थर्टी सेवन एट फोर एट फाइव डबल जीरो माइनस तेईस लाख माइनस छह लाख चालीस हजार माइनस पच्चीस हज़ार ये आता है सर मेरे पास जो डिफॉल्टेशन है लॉस है मेरे पास वो आ रहा है सोलह लाख बासठ हज़ार सात सौ पचास बहुत ही निकम्मा और छोटा चोर था ठीक है जी इसको मैं लेके जा रहा हूँ सर डिफॉल्टेशन का लॉस यहाँ पर डिफॉल्केटड कैश कितना जी सोलह लाख बासठ हज़ार सात सौ पचास अब बताएं जी ख़त्म कैश का अकाउंट बंद सर बताएं सारे अकाउंट बंद हो गए सर मेरा पीपी -पी का अकाउंट डन हो गया मेरा क्रेडिटर्स का अकाउंट सारी जगह पहुंच गया मेरा प्रीपेड रेंट इसमें से एक अमाउंट निकलनी है देखिए कितना जी एक लाख अड़सठ हज़ार प्लस फोर पॉइंट टू फाइव मिलियन फोर पॉइंट टू मिलियन माइनस एक लाख पचहत्तर हज़ार यह आता है सर मेरे पास एक्सपेंस आता है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए फोर पॉइंट वन नाइन थ्री ट्रिपल जीरो डाल दें सर इसको भी क्या ये मेरे पास रेंट है जी सर रेंट एक्सपेंस अल्लाह अल्ला डनोगे जी आप बताएं सर मेरे सारे अकाउंट्स पहुंच गए जन्म सॉरी जन्नत पहुंच गए स्टॉक का अकाउंट गया प्रीपेड रेंट का अकाउंट गया क्रेडर्स का अकाउंट गया सर मेरे पास कैश का अकाउंट कंप्लीट बैंक का हिसाब किताब कंप्लीट एवरीथिंग रीच्ड एट एवरी पॉसिबल पॉइंट अब मैंने क्या करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करना है ठीक है मेरे पास एक फैसिलिटी है जो आपके पास नहीं होगी पेपर में और आपने उसका टेंशन नहीं लेना नहीं है तो नहीं है मैं इसको ज़रा सा ऊपर कर दूंगा ताकि गैप कम से कम रहे डन अब बताएं सर अगर मैं इन सबको नेट करूं तो मेरे पास नेट प्रॉफ़िट आना चाहिए हैं या अभी भी, भी कोई चीज़ बाकी है सर पक्का नेट प्रॉफ़िट आना चाहिए इसको काउंट कर लें नेट प्रॉफिट कितना है सर सर मेरे पास ये सामने नेट प्रॉफ़िट कैलकुलेट हुआ हुआ पड़ा है मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ सर सर ये मेरे पास आ रहा है वन सेवन एट ट्रिपल फाइव डबल ज़ीरो वन सेवन एट ट्रिपल फाइव डबल ज़ीरो सत्रह आशारिया आठ पांच पांच ऐसा आप बताएं बैलेंस शीट पे क्या क्या आएगा आपने लैंड तो ले आया था पीपी -पी भी ले आया था बैलेंस शीट के ऊपर और देखें बैलेंस शीट पे क्या क्या बचा हुआ जो अकाउंट से वहीं आएंगे कैश आना चाहिए आ गया सर सर पीपी -पी आना चाहिए सर ट्वेंटी एट पॉइंट ये भी आ चुका है क्रेडिटर्स सर ट्रिपल थ्री फोर टाइम ज़ीरो सर मेरे पास क्रेडिटर्स ट्रिपल थ्री फोर टाइम्स जीरो फिर जी क्रेडिटर्स के बाद सर सर मेरे पास प्रीपेड रेंट वन सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ चुका है नहीं सर प्रीपेड रेंट वन सेवेंटी फाइव थाउजेंड और जी और जी अकाउंट भी डन स्टॉक टू पॉइंट फाइव मिलियन आ चुका है नहीं सर ये भी डाल दें सर स्टॉक जी टू पॉइंट फाइव मिलियन बस अब बताएं सर यहां पर मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है सर यहां पर मेरे पास एक तो क्रेडिटर आ रहा है दूसरा मैं यहां लेकर आ रहा हूं जनरल फंड जनरल फंड कितने का होगा सर ये जरा देख लें एडवांस सब्सक्रिप्शन है मेरे पास सर ग्यारह जनरल फंड कितना है सर जनरल फंड कितना है जनरल फंड कितना था पहले अपने आप से ये पूछो जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था सर जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था जब हम ओपनिंग बैलेंसेज निकाल रहे थे ट्वेंटी थ्री टू मिलियन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री ट्वेंटी सिक्स जनरल फंड ओपनिंग

थर्टी फाइन ऐसा आप बताएं सर मेरे पास बैलेंस शीट की सारी चीजें बिल्कुल सामने सामने आ चुकी हैं वसूलन मैंने सबको ऐड करना है तो ये हो जाना चाहिए और ये दोनों सर मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट से टैली होते हैं अगर आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो ये होगा मेरे पास फिफ्टी फोर थ्री थ्री सिक्स फाइव हंड्रेड ये भी फिफ्टी फोर थ्री थ्री सिक्स जीरो आपको समझ आ गया होगा सीक्वेंस याद रखना पहले आपने ओपनिंग बैलेंसेस निकाल निकालने फिर ओपनिंग बैलेंस अकाउंट्स में डाल दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सारे ट्रांजेक्शन डाल दोगे कुछ के क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल लो होंगे वो डाल दोगे जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है ट्रांजेक्शन के बाद जो बच जाए वो क्लोजिंग बैलेंस है सर कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एंट्रीज ऐसी होंगी जो अकाउंट्स में नहीं जा रही होंगी डायरेक्ट सॉरी कुछ जो है वो रिसीट एंड पेमेंट्स की ऐसी एंट्रीज होंगी जो अकाउंट्स में नहीं जा रही होंगी जो डायरेक्ट जा रही होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहाँ ले जाओगे उसको आई होप लोगे इट वॉज अ गुड क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन कैश डिफॉल्वेशन का देख लीजिएगा इसको जी थैंक यू वेरी मच जदाकल खैर